Hello, good afternoon and welcome everyone on eCareerPoint NEET channel. Myself, Rohit Kumar, आप सबको पता है कि 1:30 the time is there and the class is now about to start. है ना, तो हम सब अभी कौन से टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं. आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ दी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. एनसीईआरटी की चैप्टर 13 है जो कि आपकी 12th के एनसीईआरटी के अंदर मैंशनड है. यस, सबको ये बात पता है. और ये जो यूनिट है दैट इज़ द यूनिट इकोलॉजी, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है ना. इस यूनिट की एक इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नीट के अंदर है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस 4 or 5 ईयर्स में इससे पूछे जा चुके हैं. ठीक है, तो एक बार सबके सब जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो सेशन को. यस चिरंजीव, गुड आफ्टरनून कृष्णा कृष्ण. ओके हेलो, गुड आफ्टरनून शिवानी इज देयर, गुड आफ्टरनून तुबा, हाय रॉकस्टार, हेलो. ओके प्रिंस, हेलो सर, वेटिंग फॉर इट. ओके थैंक यू फॉर दैट तुबा, हाय. पलक चौधरी, यस हेलो रॉक स्टार, हाय गुड आफ्टरनून पलक. देन इकोलॉजी की स्टार्टिंग, यस गौतम इकोलॉजी स्टार्टिंग देयर. अमित गुड आफ्टरनून. अतुल सर बायो पढ़ने का मन नहीं करता है. ओके अतुल, अगर बायो पढ़ने का मन नहीं करता है तो क्लास आप करो. आफ्टर द क्लास आप बताना कि हाँ बायो पढ़ने का मन हो रहा है या नहीं हो रहा है. हनी बनी हेलो. अवंतिक नमस्ते नमस्ते, यस यस अमान के वी पी वाई के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि कॉमन सिलेबस है आपके लिए 11 12th की जो सिलेबस है उसमें ये पार्ट है. एंड इकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी के वी पी वाई वगैरह के बारे में कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यस रॉनी, रोहित, रोशन, हनी बनी हेलो, अतुल रोशन, ओके आकाश हेलो, मुकु हेलो, मोहम्मद मुजैद इज देयर. ओके रोशन इज सेइंग हाय सर, बायो डिफिकल्ट. नहीं बायो डिफिकल्ट नहीं, बायो बहुत इंटरेस्टिंग है. प्रॉब्लम क्या है कि बायो को पढ़ने का तरीका हमें नहीं पता है. तो आप क्लास करो, आपको क्लास करते दौरान ये बात समझ में आ जाएगी कि बायो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बायो पढ़ते हुए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है. ओके समझ, तो इसको कोशिश करेंगे, हम रिलेट करेंगे और बात समझने की कोशिश करेंगे. यस पूजा हाय, शुरेयांस थैंक यू फॉर दैट सो मच हार्ट यू आर गिविंग मी, थैंक यू थैंक यू. शुभम गुप्ता राम राम, ओके दुष्यंत हाय. तो बिल्कुल बिल्कुल सबके सब आ गए हैं और भी आपके फ्रेंड्स अभी भी बाकी रह गए हैं, उनको जल्द से जल्द सेशन को शेयर कर दो, उनको भी सेशन के लिए बुला लो क्योंकि आज हम 12th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. जो लोग आज नए आए हैं चैनल पे वो ई करियर पॉइंट चैनल नीट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि इस चैनल पे आपको नीट की प्रिपरेशन कराई जा रही है जो आपकी नीट 2021 को टारगेट में लेकर के हम चीज़ों को प्रिपेयर करा रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि नीट के अंदर आने वाले MCQs आप छोड़े नहीं, आप उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए. यस प्रिंस इसने शेयर कर दिया, गुड. तो सबके सब अपने सारे फ्रेंड को जल्द से जल्द शेयर करो क्योंकि सेशन में वॉचिंग बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स आपके आ सके. और हम आज एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन देखो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्या है कि ये चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर जिस तरीके से दिया हुआ है, आप इसको पढ़ते हो तो उससे क्या होता है कि आप जब रीड करते हो ना तो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि समझ में आ रहा है क्योंकि काफ़ी थ्योरीज मेंशन्ड है वहाँ पे, तो समझने में थोड़ा दिक्कत आता है. लेकिन अगर उसे प्रॉपर तरीके से समझा जाए तो ये चैप्टर बहुत आसान भी है, स्कोरिंग भी है और मज़ेदार भी है क्योंकि हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में समझने का मौका मिलता है. ठीक है, तो इस पर हम जरूर बात करेंगे, आज की पूरी क्लास में इसके ऊपर बात करेंगे. इमरान हेलो, पूजा गुड आफ्टरनून. ओके दुष्यंत बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ मैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, है ना. तो आप भी अपने आप को फुल केयर आप ले रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं. यस तिशा हेलो, यस घड़ी नमस्कार. ओके देन मुकु इज देयर, सर आप अच्छा पढ़ाते हो इसलिए टाइम पे आ जाते हैं, वेरी गुड थैंक यू फॉर दैट. यस अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ाएंगे भी, दोनों काम यहाँ पे साइमल्टेनियसली होगा. थैंक यू पलक फॉर दैट फ्रेंड्स जोन. ओके तो सबके सब रोहन नाम, अच्छा रोहन फ्रेंड फ्रेंड जोन आपका जो नाम है वो रोहन, मुझे पता नहीं था, चलिए रोहन अब आपका नाम ले लिया. यस बिल्कुल नीट टॉपर्स बनना है हमें, तो नीट टॉपर बनने के लिए ये जरूरी है कि सेशन के दौरान बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना, है ना. हम ऐसी बातों के पीछे नहीं भागेंगे जिसका कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, हम कंटेंट पे जाएंगे, कंटेंट से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनसीईआरटी को टिप्स पे लाना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझ के चलना है एंड दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग फॉर. यस सो नाउ एवरीवन गेट रेडी, और जो लोग भी अभी आ रहे हैं उन सबको गुड आफ्टरनून एंड हेलो. ओके एक बार मैं फिर से सबको गुड आफ्टरनून एंड हेलो बोल दे रहा हूँ ताकि आप सब अब सेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं. गुड सब आ गए हैं और सेशन को और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो. सेशन को ना ब्लॉकबस्टर बनाना है हर बार, ताकि क्या हो कि आप जब इस सेशन को शेयर करते हो तो वो एनर्जी मुझे मिलेगी, जब मुझे एनर्जी अच्छी मिलेगी तो मैं आपको एक्सप्लेन उतना ही ज़्यादा अच्छा करूंगा और जब आपको एक्सप्लेन अच्छा करूंगा तो एनसीईआरटी
समझने में ना तो आपको टाइम लगेगा और ना आपकी स्कोरिंग कम होगी, और जब एक बार स्कोरिंग हो जाएगी तो अल्टीमेट एम ही तो हमारा यही है कि हमें पढ़ाई करना, और जब पढ़ाई अच्छी होगी तो फिर कॉलेज भी अच्छा मिलेगा. सो दैट वी आर गोइंग टू डू. यस घरी घरी, दैट इज द व्हाट इज सर, एनसीईआरटी फोड़ कर रख देंगे. बिल्कुल फोड़ के रख देना है पेपर को. हाँ, फोड़ने और का मतलब ये नहीं कि पेपर को ऐसा फोड़ देना है कि फिर बाद में हम ही उसको कलेक्ट ना कर पाए, है ना. मतलब इसको ऐसा करना है, एनसीईआरटी ऐसा अनफोल्ड करना है कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमसे होना ही चाहिए. अगर हमसे नहीं हुआ तो फिर किसी से भी नहीं होना चाहिए. ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाना चाहिए, और ये होगा, ये बिल्कुल होगा. अगर आप मेरी क्लासेस कर रहे हो तो यू कैन फील दैट. आप जो चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं उनको आप जा करके वापस आप जब क्वेश्चन बैंक से बनाते हो तो यू कैन फील कि आप सारे क्वेश्चंस को इजिली टैकल कर पाओगे. चलिए, वेरी गुड, सबके सब रेडी हो गए. सूर्यांश इज सेइंग सर क्वेश्चन भी पूछेगा. बिल्कुल पूछेंगे. इंट्रोडक्शन क्लास में मैं इसलिए क्वेश्चंस नहीं लाता हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में तो हम चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो विद द टाइम मैं पूछता ही रहता हूँ आपसे क्वेश्चन, और फिर मेंटी भी कराते हैं आपके साथ. तो एक पूरा का पूरा आपको जो प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं. तो आपका तो सिर्फ काम ये है कि मैं जिस तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ ना, आप उस पर एक बार फेथ करो एंड यू विल फील कि हाँ, जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो मेरे सारे क्वेश्चंस बनते हैं. फिर आपको कंटेंट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि कंटेंट हम वो डिलीवर आपको कर रहे हैं जो कोटा कोचिंग के अंदर एक रिसर्च्ड कंटेंट है, यानी कि जिसके पीछे पिछले 20 साल 25 साल से रिसर्च की गई है, वैसे कंटेंट हम आपके सामने फ्री देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाए कि आप नीट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करके, और जब आपकी रिजल्ट अच्छी हो जाती है तो हमारा काम, हमें एफर्ट जो हम करते हैं उसका रिजल्ट हमें भी मिल जाता है. सो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग फॉर. चलिए, वेरी गुड. इसके बावजूद अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है, लेक्चर से रिगार्डेड कोई डाउट हो गया, या आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको कोई क्वेश्चन आपसे बना नहीं, तो आप उस क्वेश्चन को कहाँ पोस्ट कर सकते हो? यू कैन पोस्ट ऑन डाउट हेल्प. अब ये डाउट हेल्प डाउनलोड कैसे करेंगे? आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, अगर आपके पास iOS है तो आप iOS के स्टोर पे जाओ, एंड देयर यू कैन फाइंड कि आप डाउट हेल्प ऐप को वहाँ पे देखोगे, दिस लोगो यू कैन सी देयर, एंड यू कैन इंस्टॉल इट. आप इसको डाउनलोड कर लो, है ना. डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है? आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको जो रैंकर्स हैं उनके नोट्स मिलते हैं, आपको जो एक्सपर्ट्स हम क्लासेस जो लेते हैं इसकी PDFs आपको इसके मिल जाते हैं. तो आपको सारा कुछ इस ऐप के ऊपर मिल सकता है, तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें. इसके अलावा आप ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप भी डाउनलोड करें, वहाँ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे आपकी कंटेंट जो है वो अच्छी हो जाएगी, शानदार हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी चीज़ें पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो ये सारा कुछ करना ज़रूरी है. यस, ये सारा कुछ हमें करना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. आप नादिर इज सेइंग सर हम फिंगर टिप से यूज़ कर ये कर सकते हैं. बिल्कुल, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको बनाने की कोशिश करो. यू विल फील, आप जब एक बार बनाओगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमसे क्वेश्चन बन रहा है, और जब क्वेश्चन बने तो आप उन चीज़ों को ज़रूर देखें. यस, गुड सर. मेंटी कब होगा? बिल्कुल, जब चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. तो मेंटी बीच में कराने का कोई फायदा नहीं होता, जब चैप्टर हो जाए तब मेंटी कराने का फायदा होता है. यस नंदिनी, गुड आफ्टरनून. ओके दुष्यंत सर, टीचर यस बिल्कुल, फेथ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फेथ करोगे तभी आप चीज़ों को फॉलो कर पाओगे, वरना तो आप इधर उधर भागते रहोगे. एट द लास्ट क्या होगा कि आप सिर्फ भाग रहे थे, सिलेबस के ऊपर कुछ नहीं पढ़ रहे थे. यस रोहित सिंह सर, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है. ओके, कोई बात नहीं, पहला लेक्चर है तो फिर आप इस लेक्चर को करो, एंड यू विल अंडरस्टैंड. टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इकोलॉजी एक ऐसी यूनिट है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है नीट के अंदर. यस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास. तो देखो, आज जो हमारी टॉपिक है दैट इज दी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. एंड यू ऑल नो, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी के अंदर आपको पता है कि दिस इज चैप्टर नंबर 13. 12th की एनसीईआरटी का ये 13th चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और ये लास्ट यूनिट है आपकी बायोलॉजी का. बायोलॉजी आप जब स्टार्ट कर दो 11th की बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो 11th की स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है आपके लिविंग वर्ल्ड वाले टॉपिक से, यानी जहाँ पे आप डाइवर्सिटी की बात करते हो, जहाँ पे आप बहुत सारे एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हो. और जब आप एंड करते हो, क्योंकि हम जब नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए ना तो 11th है ना 12th है, हमारे लिए तो सारा कुछ एक यूनिट है जिसको हम वन बाई वन करके अनफोल्ड करते हैं, चीज़ों को पढ़ते जाते हैं, एंड एट द लास्ट वी एंड अप विद द कंक्लूजन. हमने जो भी अब तक पढ़ा है उन सबको अब कोरिलेट करने का टाइम आ गया. तो अगर उस चीज़ को मानते हुए चलें तो इकोलॉजी एक ऐसी यूनिट है आपके एनसीईआरटी सिलेबस में
जो कि लास्ट में मौजूद है। और बेसिकली यहाँ पे हमें क्या समझना है, यहाँ पे हमें इंटर रिलेशन बनाना है। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, हमने लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ा था, हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का के बारे में पढ़ा, उनके फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, है ना, उनके एनाटॉमी के बारे में पढ़ा, फिर हमने आगे चल के जेनेटिकल लेवल पे चीज़ें पढ़ी हैं, मॉलिकुलर लेवल पे चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अब तक आपने पढ़ा है, इन सब को अब कोरिलेट करने का टाइम आ गया, इसलिए आपकी सबसे लास्ट यूनिट बनती है, दैट इज द इकोलॉजी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजों को अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, इसलिए इकोलॉजी एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उन सब को कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मजे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। और आपको मैं इस चैप्टर में होता क्या ना कि इस चैप्टर में टर्म्स का मामला आता है, टर्म समझ में नहीं आते हैं इसलिए चैप्टर समझ में आता नहीं है। तो सबसे पहला काम टर्म्स को समझ लो, अगर टर्म्स क्लियर हो गया तो फिर इस चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट आई गारंटी। तो आप जब ये चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, तो आप खुद ये बात मेंशन कर दोगे कि हाँ सर बहुत मजा आया, चैप्टर समझ में आ गया है। और चैप्टर समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो बनी रहे, और क्वेश्चन तो हम यहाँ पर लेकर के भी आएंगे, आपको तरीके भी बताएंगे हाउ टू डू दैट। ठीक है, तो ये सारा काम हम कर रहे हैं। यस, डेली लेक्चर इसी टाइम पे होता है 1:30 PM। तो जो लोग आज भी नए हैं फिर से उनको मैं बता दूं कि MWF में आपकी 12th की चैप्टर चल रही है, दैट इज द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और TTS में आपकी 11th की टॉपिक चल रही है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है 1:30 PM एवरी डे, हर दिन 1:30 PM यू हैव टू कम। तो जिन लोगों को अभी तक स्केड्यूल नहीं पता है वो ई करियर पॉइंट नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उनके अंदर नोटिफिकेशन आएगा और वो नोटिफिकेशन देख करके भी आप पहुंच पाओगे टाइम पर। ठीक है, लाइव वॉचिंग का बहुत फायदा है, क्योंकि लाइव वॉचिंग में आपको चीज़ें हाथों हाथ समझ में आ जाती हैं, बाद में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो एक क्लासरूम फीलिंग आपके पास चली जाती है, तो चीज़ें समझना आसान हो जाता है। तो ये काम करना हमें बहुत ज़रूरी है। चलिए तो समझते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, तो जो टर्म इकोलॉजी है, यानी कि हम जो ये बार बार कहते हैं इकोलॉजी होता क्या है, इकोलॉजी इज अ स्टडी, है ना, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, इस एनवायरनमेंट में लिविंग बींग्स भी हैं और नॉन लिविंग बींग्स भी हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के बीच की जो इंटरेक्शन है, लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, इनकी स्टडी को हम कह रहे हैं इकोलॉजी। तो ये जो टर्म इकोलॉजी है ना, ये टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, हेकल ने दिया था, पूछ लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, तो हेकल ने ये टर्म दिया था, समझना इस बात को, ये टर्म जो था इकोलॉजी वो हेकल ने दिया था। लेकिन इस टर्म को सबसे पहले यूज किसने किया, इस टर्म को सबसे पहले यूज किसने किया, तो इस टर्म को सबसे पहले यूज रेटर ने किया था, और उन्होंने इसे पूरी तरह से डिस्क्राइब किया था, उन्होंने इस टर्म को पूरी तरह से समझाया था रेटर ने। तो दैट्स वाई रेटर को हम फादर ऑफ इकोलॉजी कह देते हैं। तो आपके लिए दोनों चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर मैं ये बातें कह रहा हूँ कि फादर वगैरह याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं, इसलिए आपको याद रखना है। टर्म पूछ दिया जाए, इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो टर्म को दिया था हेकल ने, यानी कि टर्म हेकल ने दिया था, लेकिन फादर किसको कह रहे हैं, फादर हम कह रहे हैं रेटर को। लेकिन इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि इंडिया के अंदर अगर पूछ दिया जाए फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, अगर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की जो इकोलॉजी यूनिट जहां से स्टार्ट हो रही है, यू कैन सी अ कंप्लीट डिटेल ऑफ प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां से। तो आपको प्रोफेसर रामदेव मिश्रा याद रखना है कि ही इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो क्योंकि ये इंडिया के इकोलॉजी के फादर है, दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने स्टामा कर दिया है कि क्वेश्चन आने के चांसेस कहाँ से हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस बात को याद रखना, हेकल ने टर्म दिया था, रेटर वॉज द फादर, एंड इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन थे, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो ये चीजें आपको याद रखना जरूरी है, ये चीजें बिल्कुल क्लियर आपको करना है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। यस, समझ में आ गया सबको ये तीन चीजें क्यों याद रखनी है। ठीक है, अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप एनसीईआरटी क्या करते हो, सीधे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से पढ़ते हो, वहीं पर गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है, सारे बच्चे तो वहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो एग्जामिनर आज के टाइम में क्या कर रहा है, वहां से चीजें उठाने की कोशिश करता है जहां पे आप चीजों को स्किप कर रहे हो। तो जब आप यूनिट उठाते हो इकोलॉजी, तो वहां पर ही आपके पास बहुत सारी डिटेल दिए हुए हैं। यस,
तो वहां पर जो डिटेल्स दिए हुए हैं वहां पर आप अगर पढ़ोगे तो इकोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको समझना हमें जरूरी है, क्योंकि हो सकता है नीट के अंदर जब क्वेश्चन आए तो इसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ जाए। तो हमें अगर ये लैंग्वेज पता ही नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो नीट एनसीईआरटी से बाहर आ गया, पर एनसीईआरटी के अंदर ही था, आपने पढ़ा नहीं था उसे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, इकोलॉजी गिव्स अस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजी। देखो इकोलॉजी हमें क्या कर रहा है, बायोलॉजी की संपूर्ण ज्ञान दे रहा है, यानी अब तक जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे यूनिट वन से जो हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी को पढ़ना, वहां पर हमने बायोलॉजी के बारे में एक एक करके चीजों को अनफोल्ड किया था, डायवर्सिटी को पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी पढ़ा, एनाटॉमी पढ़ा, फिर फिजियोलॉजी पढ़ा, सेल बायोलॉजी पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके अलावा फिर हमने जेनेटिकल लेवल पे देखा, मॉलिकुलर लेवल पे देखा, बायोटेक्नोलॉजिकल लेवल पे देखा। तो ये सारा जो चीज हम देख रहे थे ये बेसिकली हम एक एक करके हर चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे, और अगर मैं बात करूं तो हम ऑर्गेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इकोलॉजी जब आप आते हो तो इकोलॉजी बायोलॉजी में सिर्फ लिविंग बींग्स के बारे में तो बात है, पर लिविंग बींग्स किस तरह से नॉन लिविंग बींग के साथ इंटरैक्ट करते हैं इसके बारे में भी हमें समझना जरूरी है। तो संपूर्ण ज्ञान जो आपको चाहिए पूरी बायोलॉजी के लिए, अपने पूरे बायोस्फेयर के जो आपको संपूर्ण ज्ञान चाहिए, दैट वी गेट इन दिस यूनिट, दैट इज द इकोलॉजी। दैट्स वाई एनसीईआरटी लिख रहा है ये लाइन वहां पे, ये बात बिल्कुल सिंपली वो कह भी रहा है, इकोलॉजी गिव्स अस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव टू बायोलॉजी, यानी संपूर्ण ज्ञान हमें दे रहा है बायोलॉजी की। ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को, दैट्स द इंपॉर्टेंस। मैं क्यों ये इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्यों ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे अपने प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ठीक है, द एसेंस ऑफ बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज टू नो हाउ ऑर्गेनिज्म। अब देखो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है, उसकी कैसे इंटरेक्शन हो रही है अपने स्पीसीज के साथ ही, जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कैसे रिलेटेड है, फिर ये जो ह्यूमंस हैं ये आपस में जब एक स्पीसीज जब आपस में मिलेगा तो वो एक पॉपुलेशन बनाएगा, जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आपस में उनकी पॉपुलेशन मिलेंगी तो वो एक कम्युनिटी बनाएंगे, और इस तरीके से कैसे ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इनके ऊपर जो भी पूरी स्टोरी है, ये पूरी इंटरलिंकिंग जो प्रिंसिपल हम यहाँ पे देखेंगे, इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजी के अंदर। सो इट इज राइटिंग दैट नो हाउ ऑर्गेनिजम्स बाइल रिमेनिंग एन इंडिविजुअल इंटरैक्ट विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल हैबिटेट एज अ ग्रुप एंड हेंस बिहेव लाइक ऑर्गेनाइज होल दैट इज पॉपुलेशन। तो इनके ऊपर हम बात करेंगे, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और इवन एज द होल बायोस्फेयर, यानी पूरे बायोस्फेयर की हम स्टडी यहाँ पर देखेंगे। तो ये पूरी बात हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, समझ में आ गया, ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि हमें एक्चुअल में इकोलॉजी में पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर के अंदर क्या समझना है। तो इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे इकोलॉजी में, ऑर्गेनिज्म के बारे में समझेंगे डिटेल में और पॉपुलेशन के बारे में समझेंगे। तो ये जो यूनिट है उस यूनिट में इस चैप्टर में किसके बारे में डिस्कशन होगी, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में डिटेल में स्टडी होगी, इनकी इंटरेक्शन फिर हम वन बाय वन चैप्टर्स में देखते जाएंगे। चलिए मूव करते हैं। अब देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि कैसे हम हायर लेवल तक, यानी कि इस पूरे के पूरे अर्थ को कैसे समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें लेवल समझना जरूरी है। यस कृति सिंह सर, मेनी इकोसिस्टम कंप्राइज ऑफ बायोस्फीयर, बिल्कुल अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैं अभी इसलिए नहीं बात कर रहा क्योंकि अभी आपको एक एक करके चीजें समझाऊंगा, फिर मैं आपको उसके बारे में क्लियर कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई। यस, तो बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट कर लो क्लास के लिए, क्योंकि क्लास के लिए जब आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, वरना ये चैप्टर ऐसा है जिसमें टर्म्स अगर मिस हो गए तो फिर ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम करता है। तो आप बस ध्यान से थोड़ी सी बातें समझने की कोशिश करो, फिर बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आपसे मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके एनवायरनमेंट में हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, और आपको उसका आंसर देना है कैसे और क्यों हो रहा है। तो हम लोग बहुत आराम से चीजें समझते जाएंगे। तो पहले मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं उनको समझते चलो। देखो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो आप सभी को पता है कि हम सारे, अगर इवोल्यूशन का लेक्चर आप लोगों ने देख रखा है तो आप सभी को पता है कि हमारी केमिकल इवोल्यूशन हुई थी। तो हम अपनी जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल से, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल से। न्यूट्रॉन आप सभी को पता है, केमिस्ट्री पढ़ के आप आते हो कि हम सब जो हैं वो सबसे हमारी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होगी, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इससे फिर ऊपर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, एटम्स आएगा। एटम्स आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये आपके नॉन लिविंग स्फीयर्स बन गए।
है ना, ये कौन से बन गए, नॉन लिविंग। अब ये मॉलिक्यूल्स आगे चल के क्या बना देते थे, कंपाउंड बना देते थे। इवोल्यूशन में हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते थे, उनसे कंपाउंड बनता था। कंपाउंड्स आगे चल करके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनलीज बनाएंगे, है ना, जो सेल के अंदर मौजूद होता है। फिर ऑर्गेनलीज आपस में मिलकर के सेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो हायरार्की आप देख रहे हो ना फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। तो कहाँ पे ध्यान रखना वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि किस तरह से चीजों को रिलेट करते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एटम्स, एटम मॉलिक्यूल बना दिया, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बन गया, है ना, कंपाउंड से ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज से सेल। अब सेल क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, यानी एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। यहां तक बात तो आप पहले से ही जानते हो क्योंकि अब तक आपने जो पढ़ा है बायोलॉजी उसके अंदर इन्हीं पे तो बातें आप करते आए हो। तो ऑर्गेनिजम्स तक आप बात कर लिए। अब ऑर्गेनिज्म यानी एक इंडिविजुअल, जैसे हम ह्यूमन बींग्स एक इंडिविजुअल है, पर मैं एक ह्यूमन बींग हूं, आप भी ह्यूमन बींग हो, तो सेम स्पीसीज जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो सेम स्पीसीज वाले एक ज्योग्राफिकल एरिया में जो कलेक्शन बनाते हैं उसको हम कह रहे हैं पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिजम्स बड़ा होकर के, यानी कि ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो है, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होता है, सेम स्पीसीज का होता है, है ना। जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन में ह्यूमंस ही होंगे, कैट की पॉपुलेशन में कैट ही होगा, प्लांट्स की पॉपुलेशन में प्लांट ही होगा। तो एक पॉपुलेशन हमेशा सेम स्पीसीज का बनता है। ये बात आप सबको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहां तक ये पॉइंट समझना जरूरी है कि किस तरीके से चीजें आगे की तरफ मूव कर रहा है। चलिए, अब क्या होता है कि आप जिस जगह पे हो वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स के अलावा बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो प्लांट्स भी हमारे पास है, हमारे पास कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं। तो जब ये आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी, यानी पॉपुलेशन के ग्रुप को हम कम्युनिटी कह रहे हैं, जहां पे डिफरेंट स्पीसीज आ जाएंगे, जहां पे डिफरेंट स्पीसीज मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसको आपको बताना है। पॉपुलेशन कम्युनिटी को बनाया, कम्युनिटी किसको बनाएगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आ जाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स, तो इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद बनेगा बायोस्फीयर। मैं एक एक करके फिर डिटेल में भी बताऊंगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहां से बातें याद रखनी, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर, ये आपको ध्यान रखना है। ये हायरार्की आपको अब ध्यान रखना है क्योंकि इसके पहले की तो आप हायरार्की जानते हो, पहले से भी जानते हो। अब देखो, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप स्पीसीज को कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट आर स्पीसीज, स्पीसीज होता क्या है, डिफाइन मी द स्पीसीज, आप मुझे बताओ स्पीसीज क्या होता है। यस, बताओ व्हाट आर स्पीसीज, स्पीसीज किसको कहते हैं। मिली इज आस्किंग सर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा आगे, बिल्कुल होगा, मैंने अभी आपको डिटेल बता दिया कि फोटोसिंथेसिस आपकी जो है वो टीटीएस में होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे को कल हुआ था, तो अब थर्सडे को कल जो आएगा लेक्चर वो होगा आपका फोटोसिंथेसिस पे। एमडब्ल्यूएफ में आपकी चल रही है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो मिले, आई होप कि आपको आंसर मिल गया। यस, रॉकस्टार इंटरब्रीड करे, वेरी गुड। मुकुश सिंह, एक ऑर्गेनिज्म नहीं, एक ऑर्गेनिज्म नहीं होगा स्पीसीज, यस, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। चलिए, स्पीसीज विच कैन, धनंजय सिंह, स्पीसीज विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वेरी गुड, करेक्ट। स्पीसीज का डेफिनेशन होता है ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीड करके एक ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर दें, उन्हें हम स्पीसीज कहते हैं। जैसे ह्यूमन किसी दूसरे ह्यूमन के साथ ही इंटरब्रीड करके स्पीसीज का ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा, तो वो एक कॉमन स्पीसीज हो गए। एक कैट दूसरे कैट के साथ ही इंटरब्रीड करके कैट जैसा ऑफस्प्रिंग बनाएगा, तो वो एक कैट का स्पीसीज हो गया। लायन लायन के साथ, यानी कि लायन अपनी ही स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड करके एक नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा, तो वो भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज हो गए। तो ये हो गए एक एक स्पीसीज, ठीक है। जब ये स्पीसीज आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इन स्पीसीज को हम कहते हैं, जब ये डिफरेंट स्पीसीज आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम कह देते हैं कम्युनिटी, यानी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम कह रहे हैं कम्युनिटी। बात ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आई होप ये जो हायरार्की है वो आपको समझ में आ गया और आपने कुछ पॉइंट जो मैंने ध्यान रखने कहे हैं वो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अब वन बाय वन एक एक टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप सभी, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन।
जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसका जो बेसिक बनता है, जो बेसिस बनता है, वो कहाँ से बनेगा? इंडिविजुअल से बनेगा। यानी हम इंडिविजुअल्स उसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो इकोलॉजिकल सक्सेशन आ रही थी उस इकोलॉजिकल सक्सेशन का बेस क्या होगा? उसका बेस होगा ऑर्गेनिज्म। पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि बेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन किसका बनता है, तो बेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। ऑर्गेनिजम्स को ही हम इंडिविजुअल कह रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को ही हम क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल, तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिल करके क्या करते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पॉपुलेशन में क्या होना चाहिए, स्पीसीज सेम होना चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा हो। तो पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो कि एक सेम स्पीसीज का है और एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। क्या ये दो बातें आपको समझ में आ गई, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, क्लियर है? यस, कृति इज आस्किंग सर देन स्पीसीज एंड पॉपुलेशन इज सेम। स्पीसीज और पॉपुलेशन सेम नहीं है, स्पीसीज तो एक आप ग्रुप ऑफ, हाँ कह सकते ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन उसी ग्रुप को हम कह रहे हैं, उस पूरे क्राउड को हम कह रहे हैं पॉपुलेशन, ठीक है? तो दो टर्म्स को हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यस, सूरज सिंह लैग हो रहा है, लैग तो नहीं हो रही है मेरे ख्याल से, बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। पलक सिंह क्रिस्टल क्लियर, गुड गुड गुड, यस तुबा यस क्लियर, चलिए वेरी गुड। तो अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं तो वेव्स दिखने चाहिए आपके, थम्स के थम्सअप के साइंस दिखने चाहिए, तो आपको ये मुझे समझ में आ जाएगा कि ये दो चीज़ें आप समझ गए हो। यस, चलिए जल्दी बता दे। नहीं नंदनी गलत है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज पॉपुलेशन नहीं कहलाएगा नंदनी, करेक्ट करना वहाँ पे ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज है ना, मैंने बोल रखा है, इसलिए ये छोटी छोटी गलतियाँ मत करो क्योंकि यही मिस्टेक्स आप करके फोर के जगह पे माइनस वन लेके आ जाते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रेस किया है सेम स्पीसीज, इसलिए मैंने इसको सर्कल आउट भी कर दिया है कि पॉपुलेशन इज सेम स्पीसीज। यस वेरी गुड, वेरी लॉट्स ऑफ हार्ट्स आई कैन सी देयर, थैंक यू फॉर दैट, चलिए वेरी गुड, सबको ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है सबको। उत्कर्ष सिंह सर पॉपुलेशन समझ नहीं आया, देखो आप एक स्पीसीज हो, ह्यूमन बीइंग है हम सभी, है ना, तो हम ह्यूमन बीइंग्स अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है, यानी कि आप सभी को पता है कि हम सब एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे इंडिया के अंदर है, तो हमारी एक पॉपुलेशन बन जाती है। तो पॉपुलेशन जब आपको बोला जाता है तो आप ह्यूमन बीइंग्स की तो काउंट करते हो ना, उस समय आप जाके कैट और डॉग की तो नहीं काउंट करते हो, क्योंकि आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन वहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो आपको पॉपुलेशन में इतना बात समझना है, पॉपुलेशन एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है और सेम स्पीसीज वाले होने चाहिए, उन्हें हम कह रहे हैं पॉपुलेशन। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया है, चलिए गुड, यहां तक बातें समझ गए हो। आते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी पे। कम्युनिटी मैंने आपको बताया था कि जब डिफरेंट स्पीसीज आपस में आ जाते हैं, डिफरेंट स्पीसीज यानी कि डॉग भी हो, कैट भी हो, लायन भी हो, ह्यूमंस भी हैं, प्लांट भी हैं, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं। जब इन डिफरेंट स्पीसीज को हम ग्रुपेज करते हैं, यानी देखो यहाँ पे असेंबलीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, असेंबलीज ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन के ग्रुप, ठीक है, जैसे ह्यूमन का भी पॉपुलेशन हो गया, टाइगर का भी पॉपुलेशन हो गया, एलिफेंट का भी पॉपुलेशन हो गया, लायन का भी पॉपुलेशन हो गया, यू कैन सी हियर कि एलिफेंट भी है, राइनोसोरस भी है, टाइगर भी है। तो जब इनके डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज की जब हम बात करते हैं जो कि इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, जैसे हम ह्यूमंस क्या होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, साथ के साथ कुछ अदर एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं, बिकॉज वी आर ओमनिवोरस, कुछ हर्बीवोर्स हैं जो कि प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारी एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंसी है, डिफरेंट स्पीसीज के ऊपर एक इंटरडिपेंडेंसी है। तो जब हम इनके बारे में पढ़ने लगते हैं, डिफरेंट स्पीसीज के बारे में पढ़ने लगते हैं और उनके बीच के इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं, देन दैट इज नोन एज कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में क्या हो गया, कम्युनिटी में बहुत सारी पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीसीज की आपस में जिस तरह से इंटरेक्शन करती है उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। बात समझ में आ गया सबको, क्लियर हो रहा है सबको, ये बात समझ में आ गया कि किस तरीके से चीज़ों को हमें समझते चल जाना है। जो मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मार्क कराता हूँ उनको ज़रूर आप ध्यान रखें, और मेरे ख्याल से आप सभी नोट्स भी प्रिपेयर करते हो लेक्चर पढ़ते दौरान, आप नोट्स भी प्रिपेयर करते हो, क्योंकि कल मैं कमेंट में देख रहा था कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हाँ सर मैं नोट्स भी बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि नोट जो आप बनाते हो, आपकी खुद की बनी हुई जो नोट्स होती है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वो आपको एग्जाम में काम आने वाला है, तो वो काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वेरी गुड, यस सब बता रहे हैं कि हाँ वो बना रहे हैं, तो गुड गोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर कम्युनिटी में हम क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी जब हम पढ़ेंगे तो हम कॉम्पिटिशन के बारे में बात करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ वो कम्पीट करते हैं सेम रिसोर्स के लिए, प्रिडेशन की बात करेंगे, कौन किसको मार के खा रहा है,
शिकार शिकारी के बारे में बात करेंगे, होस्ट एंड पैरासाइट की बात करेंगे। जैसे आप बहुत बार बात कर चुके हो कि मलेरिया का पैरासाइट का होस्ट कौन है, ठीक है, तो आप वहां पे कहते हो कि सर मलेरिया का जो पैरासाइट है उसके दो होस्ट हैं, एक तो मॉस्किटो हो गया, एक ह्यूमन बीइंग हो गया, तो वहां पे हम इनके बारे में बात करते हैं। तो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन हम यहाँ पे बात करेंगे, एमेंसलिज्म के बारे में बात करेंगे, यानी जब ये सारी टॉपिक मैं आपको पढ़ाने लगूं जहां पे डिफरेंट स्पीसीज के बीच की इंटरेक्शन की स्टडी करवाऊं, तो आप समझ जाना कि हम कम्युनिटी लेवल पे आ गए हैं। तो देखो, ऑर्गेनिज्म लेवल पे तो आपने पढ़ाई कर ली थी, आपने देख लिया था कि एक इंडिविजुअल के बारे में क्या क्या चीजें आपको जाननी है, वो आपने कर लिया। ऑर्गेनिज्म के अब ग्रुप की हम जब स्टडी करेंगे तो पॉपुलेशन पढ़ेंगे। जब पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीसीज का आपस में इंटर रिलेट होने लगे तो वो कम्युनिटी हो जाएगा। तो दिस इज द कम्युनिटी विच यू कैन सी हियर, आप स्लाइड में देख सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपका कम्युनिटी जो आपको समझना है। तो आई होप कि कम्युनिटी भी समझ गए। ये हायरार्की हमें समझते चल जाना है, क्योंकि ये हायरार्की पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा आपको डिटेल में बातें समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है इकोसिस्टम, ठीक है, कम्युनिटी के बाद क्या हम देख रहे हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, ये कंपोज होता है बायोलॉजिकल कम्युनिटी से, यानी कि बहुत सारी कम्युनिटीज आपस में मिलकर के क्या बनाएंगी, इकोसिस्टम, जहां पे हम क्या देखेंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट का इंटीग्रेशन देखेंगे विद द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग प्रोसेस। जैसे समझना इस बात को, अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो वहां पे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, प्लैंकटन्स हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, टेरिस्ट्रियल में हमारे पास ट्री है, फंजाई है, डिफरेंट टाइप ऑफ सनलाइट और हीट है, तो इनके बीच में एक बायोजियोकेमिकल साइकिल बन रहा होगा, जिससे क्या होगा कि हम एनर्जी लेंगे, फिर वो एनर्जी यूज होगा, यूटिलाइज होगा, अगेन वो एनर्जी रीस्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके का जब इंटरेक्शन हो जाए, यानी डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में एक एनर्जी ट्रांसफर की जब रिलेशनशिप हम पढ़ने लगेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ने लगेंगे, तो बेसिकली हम वहां पे किसकी बात कर रहे होंगे, इकोसिस्टम की बात कर रहे होंगे। तो इकोसिस्टम को समझना कि जब हम एनर्जी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में एक्सचेंज हो रही है, तो उस समय हमें पढ़ना क्या है, उस समय हमें पढ़ना है इकोसिस्टम। तो दिस इज द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड, यानी जब ये चैप्टर चलने लगे तो जिस तरीके से चैप्टर में चीजें आते रहेंगी उनको आप ध्यान देते रहोगे, क्या हम वहां पे पढ़ रहे हैं, किस चीज को हम कैसे समझ रहे हैं। चलिए, बायोम्स क्या होता है, जब एक लार्ज रीजन की हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन हम उसके फ्लोरा को देखेंगे, उसके फौना को देखेंगे, यानी एनिमल कैसे वहां पे हैं, हैबिटेट क्या है, तो उसको हम कहते हैं बायोम्स, उसको हम कहते हैं बायोम। जैसे आप सुनते हो डेजर्ट के बारे में, ग्रासलैंड्स के बारे में, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन की वजह से डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना होते हैं, डिफरेंट एनिमल पैटर्न है, डिफरेंट प्लांट पैटर्न है, तो इसको हम कहते हैं बायोम्स, जहां पे हम बायोम्स की बात करने जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनको याद जरूर रखना, क्योंकि चैप्टर इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, और इस तरह से जब बढ़ेगा तो आपके दिमाग में जब ये बातें रहेंगी ना, तो फिर चैप्टर का सीक्वेंस आपको समझ में आएगा, और तब आप देखना आपको इवोल्यूशन इतना मजा आए, सॉरी इकोलॉजी इतना मजा आएगा पढ़ने में, कि इकोलॉजी आपको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, और बहुत ईजिली आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करोगे इस चैप्टर, इस यूनिट से। अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो इस यूनिट से लगभग 7 to 8 क्वेश्चन आ जाते हैं नीट के अंदर, है ना। तो 7 to 8 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके करीबन 30-32 मार्क्स के क्वेश्चन तो इसी यूनिट से आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, दैट्स द इंपॉर्टेंस विच इट हैज। बोर्ड्स का भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो बोर्ड्स में भी मेजर जो क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आ सकते हैं, तो बोर्ड्स के अंदर भी इससे क्वेश्चन आते हैं, नीट के अंदर भी आता है, या किसी तरह के कॉम्पिटिशन के आप एग्जाम देते हो वहां इनसे क्वेश्चन आते ही है, तो इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स हैं, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, बुशलैंड्स है, कॉर्निफेरस है, ट्रॉपिकल है, टुंड्रा है, तो इनके ऊपर हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बायोस्फेयर, बायोस्फेयर क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर, आपके एक्वेटिक, आपके टेरिस्ट्रियल सारे एनवायरनमेंट को जब हम एक साथ इंटरलिंक कर देते हैं, जैसे कि लिथोस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, तो इन सब को जब हम एक साथ इंटरलिंक करेंगे, पूरी की पूरी अर्थ की स्टडी करने लग जाएंगे और उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करने लग जाएंगे, तो दैट इज नोन एज द बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर में हम पूरे के पूरे अर्थ की स्टडी करते हैं अलॉन्ग विद इट्स एटमॉस्फेयर एज वेल, तो उसे हम कहते हैं बायोस्फेयर। तो आई होप ये सारी बातें आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। नादिर सिंह, बुशलैंड क्या, बुशलैंड यानी कि वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे ग्रीन प्लांटेशन आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे बुशेज यानी कि जो ट्री हैं, फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं, है ना, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ों को हम जब कलेक्टिवली बात करते हैं तो उसे हम कह रहे हैं बुशलैंड, ठीक है।
चलिए यहां तक बातें आप समझ गए हो, ये पूरा का पूरा चीज आपको समझ में आ गया, बायोस्फीयर तक की बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गया यहां तक, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि ये चैप्टर कैसे मूव करने वाला है। अब इकोलॉजी जो आप पढ़ रहे हो, अगर आप अपने आसपास के एनवायरमेंट को देखो, आप अपने आसपास के नेचर को देखो, तो आपको बहुत सारी फैसिनेटिंग चीजें दिखाई देती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिसके बारे में आपको सोचने का मन करता है ना। तो हम ऐसे ही कुछ बातों को करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद फोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पे चार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। एक तो ऑर्गेनिज्म पे करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में करेंगे जो इस चैप्टर का ही पार्ट है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे। देन वी विल डिस्कसिंग अबाउट कम्युनिटीज ऑल्सो एंड बायोम्स ऑल्सो। और मेरे ख्याल से अब ये चार वर्ड्स आपको डिफिकल्टी नहीं देंगे, क्योंकि ये चार वर्ड्स आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो यहां तक बातें आपको समझना है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटीज क्या होते हैं और बायोम्स क्या होते हैं। ये चार चीजें आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ये पूरा का पूरा यूनिट बेस्ड है, उसी पे हम आगे चलते हुए बात करते जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गया। अब जब भी आप अपने नेचर को देखते हो, अपने आसपास की चीजों को देखते हो, तो आपके दिमाग में दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। जैसे एनसीईआरटी की एग्जांपल्स की अगर बात करें, तो बुलबुल को अगर आप सिंगिंग करते हुए या सुबह के टाइम में आपको मान लो किसी भी चिड़िया की आवाज आती है, तो आपके दिमाग में जब आप एक छोटे बच्चे होते हो, तो आपके दिमाग में एक बार क्वेश्चन आता है कि ये कैसे, हाउ दैट ऑर्गेनिज्म इज सिंगिंग, ओके वो वर्ड कैसे सिंग कर रहा है। और दूसरा होता है कि क्यों कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस, यानी ये हाउ एंड वाई वाले क्वेश्चन साइंस में तो आते ही हैं। यस धनंजय, लैंडस्केप इज प्रेजेंट बिटवीन इकोसिस्टम एंड बायोम, यस करेक्ट धनंजय, लेकिन उसको हमने स्किप इसलिए किया है क्योंकि लैंडस्केप आपको बस एक हयाती है, तो उसमें आप ध्यान रख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, उसको ज्यादा जानने की हमें कोई अभी उसकी जरूरत नहीं है, हमें जो जानना जरूरी है उसको मैंने एक सीक्वेंस में बताया है, ठीक है। यस धनंजय, आई हैव रिस्पॉन्डेड योर डाउट। चलिए, तो ये सारी बातें समझना जरूरी है कि किस तरीके से चीजें मूव कर रही हैं, किस तरीके से चीजों में ये चीजें हैं। तो आप जब भी किसी चीज को देखते हो, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट या फिर आप अगर एक इंडिविजुअल के तौर पे भी देखो, तो आप ये क्वेश्चन जरूर पूछते हो, हाउ एंड व्हाई। और बहुत सारी फैसिनेटिंग चीजें हैं, और एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ ला रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया कि एक बुलबुल जब सिंग करता है अर्ली मॉर्निंग में, तो आपको दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो हाउ, क्यों, कैसे वो गा रहा होगा। तो ये जो हाउ का आंसर है वो तो आपको मिल जाता है जब आप फिजियोलॉजी पढ़ते हो, जब आप देखते हो कि हम, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप ये बात को अगर मैं पूछूं आपसे कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, तो आप कहोगे सर एक तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है कि आप अपने वोकल कॉर्ड्स को वहां पे वाइब्रेट करा रहे होगे, आपके लैरिंग्स वहां पे वाइब्रेट कर रहे हैं, उससे साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर स्पीच एट्रिकुलेशन से जो आप बोल रहे हो उसके लैंग्वेज को प्रोसेस करके आप उसको डिलीवर आउट कर रहे हो। उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज करके आप बैठे कोटा में हो, पर वहां से ऑल ओवर इंडिया चीजों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। ये तो हुआ आंसर किसका, ये हुआ आंसर हाउ का। तो जब भी कोई भी चीज जो एनवायरनमेंट में घट रही है, नेचर में हो रही है, उसमें हाउ का आंसर जो है वो तो मैकेनिज्म से मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो, ये बात समझ गए कि हाउ का आंसर कैसे मिल रहा है, वो तो मिल रहा है मैकेनिज्म से। लेकिन बाई के बारे में जब हम देखने जाते हैं, तो बाई वहां पे इकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट बताता है। व्हाई आई एम टीचिंग, तो मैं इसलिए टीच कर रहा ताकि मैं आपको जो कंटेंट मुझे पता है वो आपको डिलीवर आउट कर सकूं, ताकि आप उन चीजों का बेनिफिट उठा करके नीट में एग्जाम दे सको, ठीक है। तो एक सिस्टम एजुकेशन की चल सके, दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग हियर। तो ये वाई का आंसर हुआ, जहां पे क्या हो रहा है कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन बेनिफिट उठा रहा है, और इस तरह से हमारे बीच में एक इंटरेक्शन बन रहा है, हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं, हम एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं और इंटरेक्शन बन रही है। तो ये चीजें हमें यहां से समझ में आ गया कि किस तरीके से ये वाई का आंसर हमने इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो हाउ का आंसर जब भी आपसे पूछा जाए, तो हाउ का आंसर तो आप इस यूनिट से पहले आप हाउ ही खोज रहे थे, सारे जगह पे जहां पे आप पढ़ रहे थे, चीजों को पढ़ रहे थे, वहां हाउ देख रहे थे, पर वाई, क्यों इनकी जरूरत है नेचर के अंदर, वो हम वाई से कर रहे हैं। जैसे बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन गार्डन, तो इसके हाउ का आंसर तो आप कर दोगे कि वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से आ रहा है। वाई क्यों, क्योंकि ये अपने मेटिंग पार्टनर को सर्च करता है, मेटिंग पार्टनर को सर्च करने के लिए उसे एक सिग्नल देता है, तो उसके लिए ये यहाँ पर, या फिर अपने जो भी इसके स्पीसीज हैं उनको ये किसी कम्युनिकेशन के लिए सिंगिंग कर रहा है, ठीक है। बुलबुल सिंगिंग तो करता है ऐसे मेटिंग पर्पज के लिए, तो दैट इज द रीजन फॉर वाई, कि वो क्यों वहां पे सिंगिंग कर रहा है। तो आई होप कि ये आंसर आपको मिल गया कि बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन गार्डन का वाई और हाउ वाला पर्सपेक्टिव कैसे क्लियर है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया है?
क्लियर हो रहा है तो मुझे एक बार बता दो जल्दी से कि हाँ सर ये वाली पॉइंट हमें क्लियर हो गई कि नेचर में कोई भी चीज जो घट रही है वो वाई और हाउ पे रिलेट करता है। यस और नो? यस और नो? यस नंदनी, ड्यू टू वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन एंड फॉर मेटिंग पर्पज। गुड, ड्यू टू वोकल कॉर्ड वाला जो आंसर है वो हाउ के लिए हो गया और मेटिंग पर्पज वाला जो है वो वाई के लिए हो गया। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। तो चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझना, चैप्टर की फीलिंग को लेना कि हाँ चैप्टर पढ़ना क्यों है, क्योंकि एक बार जब चैप्टर की फीलिंग आ जाए क्यों पढ़ना है तो फिर पढ़ने में मजा आता है, तब आप पढ़ने लग जाते हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसी के लिए हम यहां पर चीजें बता रहे हैं कि हमें पढ़ना क्यों है और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये देखना हमारे लिए जरूरी है। यहां तक बात समझ में आए? वेरी गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, सब कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर दैट। चलिए, यहां तक बात आप समझ गए तो आपको जब इस तरीके से चीजें जब आप रिवर्ट बैक करते हो तो मजा आता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। यस, थैंक यू फॉर दैट। चलिए, सबको समझ में आ गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ ना, इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, यानी इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, इसका आंसर पहले आप मुझे दोगे फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबके सब रेडी हो जाना। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है चीजें। चलिए, यस यू कैन सी द स्लाइड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे स्लाइड को देखो और बताओ मुझे आंसर, व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली व्हाइट। ये आंसर तो आप कर सकते हो। यस, व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली व्हाइट, है ना? तो आंसर इसके मुझे चैट बॉक्स में चाहिए आपके, क्योंकि अब यहां पर हाउ और वाई दोनों का चीज है क्वेश्चन, है ना? हाउ कैसे हो रहा है वो भी आप बता सकते हो क्योंकि आपने पढ़ा है इसके बारे में पहले से ही, और वाई ये इस चैप्टर का पर्सपेक्टिव है जो आपको समझना है। उत्कर्ष इज सेइंग ब्लैक अपोज व्हाइट, नो इट इज नॉट, ये कोई आंसर नहीं हुआ आपका। हनी बनी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मून, नहीं बिल्कुल नहीं। यस, रॉकस्टार इज सेइंग टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, ये तो आंसर हो गया वाई का। हाउ का भी आंसर करना है आपको, दे डोंट गेट फोटोसिंथेसिस एट नाइट टाइम। चलिए, नहीं ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सही है। यस, क्योंकि वो नाइट में होता है ब्लूम। ओके, वो तो सही है, नाइट में ब्लूम करता है, पर क्यों कर रहा है ये हमें बताना है। आशीष मीना सिंह, ड्यू टू क्लोरोफिल, नहीं। यस, आशीष मीना इज समहाउ करेक्ट बट अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है, ड्यू टू लाइट सेंसेशन। चलो देखते हैं, समझते हैं। आप सभी को पता है ना, फ्लावर के अंदर जो कलरेशन आती है इसके लिए पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा है, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा है, तो आपके हाउ का जो आंसर है वो तो पिगमेंट से आ जाएगा, जो आपने पढ़ रखा है फिजियोलॉजी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी के अंदर, यही तो पढ़ के आप आते हो। तो एक फ्लावर क्यों व्हाइट कलर का अपीयर होगा, क्यों रेड कलर का अपीयर होगा, क्यों ग्रीन कलर का अपीयर होगा, ये उसके पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है, कैसे पिगमेंट उसके अंदर मौजूद है, ऑन दैट बेसिस उसकी हम कलर डिसाइड करते हैं। तो ये बात आप सब जानते हो, लेकिन यहां जब हम पढ़ रहे हैं यानी कि जब हम इकोलॉजी के यूनिट में आ गए तो वाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो वाई इट इज वाई द नाइट फ्लावर्स आर व्हाइट इन कलर, तो रीजन है नाइट में क्या है कि बैकग्राउंड ब्लैक होती है, तो उस वक्त जो पॉलिनेशन करानी है उसके लिए फ्लावर क्या करता है, अपने आप को व्हाइट कलर का रखता है ताकि वो इजिली कॉन्सिपिकुअस हो अपने पॉलिनेटर्स के लिए, ताकि पॉलिनेटर्स उसको इजिली फाइंड कर सकें, उसको खोज सकें और पॉलिनेशन करा सकें। और पॉलिनेशन यू ऑल नो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट के लिए, तो पॉलिनेशन करा सके, इंसेक्ट का पॉलिनेशन हो सके, इसके लिए वो अपने आप को व्हाइट कलर का रखता है ताकि वो बैकग्राउंड में खो ना जाए, है ना? तो बैकग्राउंड में खोएगा क्योंकि रात के टाइम अंधेरा है, अगर चीजें व्हाइट हैं तो उसके उसको हम ज्यादा इजिली क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो जो पॉलिनेटर्स है वो बहुत इजिली इन फ्लावर्स को खोज लेते हैं और पॉलिनेशन रात के टाइम करवा पाते हैं, इसलिए जो नाइट में जो फ्लावर्स ब्लूम आउट करते हैं वो ज्यादातर व्हाइट कलर के होते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? यस, विजिबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, वेरी गुड। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो सबको ये बात समझ में आ गया तो जल्द से बता दो का हाँ ये वाली स्लाइड भी सर समझ में आ गई है, इन द चैट बॉक्स। यस, चैट बॉक्स में बता दो बिल्कुल कि ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको। यस, दुष्यंत सिंह, यस प्रवीण, यप नित्या, यस नादिर, यस गुड। चलिए, समझ में आ रहा है आप सभी को, बहुत मजा आ रहा है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। इमरान ओके, जीवन मालविया यस, रॉकस्टार यस, रोहित यादव यस, प्रवीण सिंह सर मेरा नाम बोलो बिग फैन, थैंक यू फॉर दैट प्रवीण। अभिषेक यस, तुबा फातिमा ओके क्लियर सर, उत्कर्ष नॉक्चर्नल मीन्स बताते हैं उत्कर्ष आपको नॉक्चर्नल का मतलब, अमित कुशवाहा ओके सर,
ज्योति समझ में आ गया, हनी बनी गिविंग मी थम्स अप, ओके वेरी गुड, थैंक यू फॉर दैट शीतल, यस, सूरज इज देयर, नादर इज देयर, क्रिस्टल क्लियर, नंदिनी क्रिस्टल क्लियर, पूनम मंडल यस, सूरज चौधरी यस, आशीष मीना इज ऑल्सो गिविंग मी थम्स अप साइंस, यस वेरी गुड, नित्या सर मेरा सही था, बिल्कुल आपका सही था, पलक यस, सबको समझ में आ गया, प्रवीण थैंक्स फॉर दैट, ओके चलिए, अवंतिका दामरे यस, चलिए सर आपका नाम क्या है, अरे किशन मेरा नाम आप थंबनेल में देख लेते हो, इट इज़ रोहित कुमार है ना, आपको मेरा नाम अगर अभी भी नहीं पता है तो अब आप जान सकते हो, दैट इज़ द रोहित कुमार, ठीक है, और आप थंबनेल जब आप देखते हो तो वहाँ पे तो नाम मेंशन ही होता है, यस ऑसम शिवानी सिंह ऑसम, थैंक यू, चलिए सबको ये बातें समझ में आ गई, वेरी गुड, आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गया है, एहुल चौधरी इज वेविंग मी हेलो, अभी इतना लेट आप आ रहे हो तो टाइमिंग पता कर लो, 1:30 PM इज़ द टाइम, तो जल्दी आने की कोशिश करेंगे, चलिए वेरी गुड, यस प्रवीण सिंह कोटा करियर पॉइंट, बिल्कुल कोटा करियर पॉइंट है, ई करियर पॉइंट कोटा ही तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और कोटा की स्टडी आपके घर तक पहुंच रही है, तो आप जहां पे प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप अभी प्रेजेंट हो, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, कंटेंट मिल रहे हैं जो आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर आपका टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है, बिल्कुल आप सर्च करो आरके नीट बायोलॉजी, आपको आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, इट इज़ आरके नीट बायोलॉजी, ये आप वहाँ पे सर्च करो, यू कैन फाइंड माई पिक देयर, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, तो आप आराम से उन चीज़ों को कर सकते हो, अमेजिंग क्वेश्चन था, अभी और भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी उनको भी हम करेंगे सॉल्व, यस एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी हम कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो कंटेंट आ रही है वो बिल्कुल एनसीईआरटी की आ रही है, और एक बार आपने क्लास किया तो आप एनसीईआरटी पढ़ के देखना, क्वेश्चन बना के देखना आपसे बनेंगे, और जब नीट में बैठना तो वहां पे आपको ये बात ध्यान आएगी कि हाँ रोहित सर ने पढ़ाया था, और जब पढ़ाया था तो क्वेश्चन बना भी है हमसे, दैट इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल, यस थैंक यू नंदनी फॉर दैट सर, आई एम अ फैन ऑफ योर टीचिंग, थैंक यू नंदनी, तो सबको बिल्कुल ये काम करना है कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, कि यू नीड 2021 में जो बच्चे क्लास कर रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में नजर आने चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर, बी को कैसे, हनी बी को कैसे पता चलता है कि किस फ्लावर के पास नेक्टर है, How does the bee know which flower has nectar? Nitya is asking क्यों ये नाइट में ब्लूम कर रहे हैं, नाइट में इसलिए ब्लूम कर रहे हैं ताकि वो पॉलिनेशन करा सके, है ना, ताकि उनकी पॉलिनेशन हो सके, नॉक्चर्नल मुझसे पूछा था उत्कर्ष ने, नॉक्चर्नल्स वो होते हैं जिनकी नाइट एक्टिविटी होती है, जो रातों में जागना पसंद करते हैं, रातों में उनकी वर्क एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उन्हें हम कहते हैं नॉक्चर्नल्स, यस ओके नाउ योर आंसर्स आर कमिंग ड्यू टू स्मेल ऑफ फ्लावर्स ड्यू टू देयर फ्रेगनेंस, यस चलो तो ये सारी चीजें आपके आ रही हैं आंसर्स की, सर हाउ का जो आंसर है हाउ डज द वी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर, तो मुझे सबसे पहले बताओ अगर हाउ का मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हाउ द दे आर फाइंडिंग दैट, तो हाउ का आंसर तो मैकेनिज्म से आएगा ना, फिजियोलॉजी से आएगा, तो आपको एक बात पता होगा कि हनी बी में एक पैटर्न होता है, हनी बी के अंदर जब वर्कर बीज जाते हैं नेक्टर के तलाश में तो उसमें कुछ ऐसे बीज होते हैं जो स्काउट्स की तरह काम करते हैं, जो लीडर होते हैं, जो आगे की तरफ मूव करके पता करने की कोशिश करते हैं किस फ्लावर के पास नेक्टर है, एंड देन दे प्रोवाइड द सिग्नल्स टू अदर पॉपुलेशन, यानी कि जो अदर वर्कर बीज आ रहे हैं उनको वो सिग्नल देते हैं, और ये सिग्नल कैसे देते हैं, तो वो एक डांस परफॉर्म करते हैं, वो कौन सी डांस होती है, 8 के पैटर्न में वो डांस करते हैं, और 8 के पैटर्न में जब वो स्काउट्स डांस करने लगते हैं तो पता ये चलता है कि हाँ कौन से फ्लावर के पास जाके हमें नेक्टर लेना है, तो ये जो आंसर हुआ ये तो हाउ से हुआ, मैकेनिज्म से हुआ, लेकिन अगर मैं वाई पूछूं कि क्यों ऐसा वो कर रहे हैं नेक्टर के पास, क्यों वो नेक्टर लेना चाहते हैं, तो आंसर इज कि सर वो नेक्टर इसलिए लेना चाहते हैं ताकि वो पॉलिनेशन करा सके, तो वहां हमने क्या देखा, एक हनी बी का स्पीसीज किसी फ्लावर की स्पीसीज पे जाकर के डिपेंडेंसी शो कर रहा है, यानी एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन है इन दोनों का, और इससे एक दूसरे को ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम यहां पर देख रहे हैं एक इंटरेक्शन, और जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं यानी हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे हैं, यस शिवानी सिंह ओ एम जी डांसिंग, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हनी बीज होते हैं इनकी बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स होते हैं जिनसे ये डांस करके ये भी बात बताते हैं कितना दूर फ्लावर है कितना ज्यादा है, तो कभी अगर मैं आपको हनी बीज के ऊपर पूरी डिटेल में चीजें पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ये बातें जरूर बताऊंगा हाउ द डांस परफॉर्मेंस इज देयर, ठीक है, तो ये बातें आपको समझना सही जरूरी है,
ये बातें क्लियर करना है, ये बातें समझना बिल्कुल जरूरी है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। क्लियर है सबको? चलिए, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो हाउ डज द बी नो बीच फ्लावर हैज नेक्टर, इसका भी आंसर आप सभी को मिल गया। यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें समझा रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज द कंडीशन की किस तरीके से चीजों को समझना है। लेट्स मूव। व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी स्पाइंस, कैक्टस का जो प्लांट होता है उसमें स्पाइंस क्यों होते हैं? ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, जल्दी से इसके आंसर आ जाने चाहिए कि जो कैक्टस का प्लांट होता है उसमें स्पाइंस क्यों होते हैं। यस, गिव द आंसर। कैक्टस में स्पाइंस क्यों होते हैं? बहुत सारे स्पाइंस होते हैं। यस, पूनम इज सेइंग फॉर प्रोटेक्शन, रॉकस्टार टू प्रोटेक्ट। यस, प्रोटेक्शन तो है, अपने प्रीडेटर से खुद को बचाने की ये कोशिश करते हैं, पर इसके अलावा और क्या हो सकता है? प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। यस, सबको आंसर तो आ रहा है कि प्रोटेक्शन, लेकिन प्रोटेक्शन के अलावा। यस, अमित इज सेइंग लैक ऑफ वाटर। अच्छा, चलिए, बिकॉज इवेपोरेशन ना हो लीव से। यस उत्कर्ष, करेक्ट। चलिए, टू प्रोटेक्ट, बिल्कुल दो रीजन है इसके। दो रीजन क्या क्या है? एक तो है प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, ताकि इसको प्रीडेटर्स खा ना सके, खत्म ना कर सके, और दूसरा है कि ट्रांसपीरेशन। आप सभी को याद होगा कि वाटर लॉस, वाटर लॉस क्योंकि ये डेजर्ट्स में होते हैं ना, ये जो कैक्टस होते हैं ये डेजर्ट्स में होते हैं, ज़ेरोफाइट्स होते हैं, तो डेजर्ट्स में पानी वैसे ही कम है, तो प्लांट के अंदर जो वाटर स्टोर्ड है इसको वो ज़्यादा लॉस ना कर सके, तो सरफेस एरिया ये कम कर लेता है। तो सरफेस एरिया कम कैसे कर सकता है? स्पाइंस के फॉर्म में लीफ जो है मॉडिफाई कर जाती है, स्पाइंस बन जाते हैं, और इसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाती है, तो ट्रांसपीरेशन भी कम होता है, और ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने के लिए स्पाइंस का वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो ये हो गया कि इसका पर्पस क्यों था कि स्पाइंस होते। तो मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर्स आ गए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका मुझे आंसर देना और सबके सब देना। तो एक बार जल्द से जल्द मुझे सिर्फ इतना बता दो, सब रेडी हो उस क्वेश्चन के लिए? जो मैं आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर मुझे देना, सब रेडी हो जाओ जल्द से जल्द। यस, चलिए, वेरी गुड। एक बार जल्दी से बता दे कि हाँ आप रेडी हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने पूछ रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है। यस, रेडी रेडी, गुड गुड गुड। तो क्वेश्चन है आपके लिए, जब एक ह्यूमन बीइंग, यानी कि जब एक छोटा बच्चा पैदा लेता है, तो उसे कैसे पता चलता है कि उसका पेरेंट कौन है? जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हो कि वो अपनी माँ की गोद में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ अदर पीपल हु आर सिटिंग देयर। तो ऐसा बच्चे को कैसे पता चलता है, या फिर किसी भी एनिमल की बात कर लो, वहाँ पे जो एक बच्चा अभी जस्ट आया है दुनिया में, उसे कैसे पता चलता है हु इज देयर डायरेक्ट पेरेंट्स, वो उनके पेरेंट्स कौन है, ये कैसे पता चलता है? यस, पूनम इज सिंह, सर आई एम सॉरी आज बहुत लेट हो गया। कोई लेट तो हो गया तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं जो आप बाद में देख सकते हो। मुकुल सिंह, जीन, यार वो जीन्स कैसे पहचान लेगा? वो जीन पहचान नहीं पाएगा ना, वो तो अभी आया ही है, अभी तो उसने जेनेटिक्स पढ़ा भी नहीं है, तो उसे जेनेटिक्स पढ़ने तो तब तो वो जीन पहचाने। सूरज सिंह, पूछो सर, पूछ लिया सूरज, आंसर करो। अमेजिंग क्वेश्चन सर, नंदिनी, ओके, तो अमेजिंग क्वेश्चन है तो उसके आंसर आ जाना चाहिए। ये आपको खुद बताएंगे आपके बारे में कि आप कैसे पहचानते हो अपने पेरेंट्स को। यस यस, पूछ लिया क्वेश्चन, बताओ मुझे। दुष्यंत सिंह, फेरोमोन्स, देखो फेरोमोन्स इंसेक्ट्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, और ये सेक्स पार्टनर के लिए वहाँ पे होता है जो मेटिंग के लिए हेल्प करता है, तो दैट इज़ नॉट फेरोमोन्स, नहीं होगा, ठीक है। पलक सिंह, नेचुरल होता है, नेचुरल तो होता ही है, पर ये नेचुरल क्यों होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बायोलॉजी का एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू समझाने जा रहा हूँ। डीएनए से, डीएनए कैसे पहचान जाएगा वो बच्चा? अभी तो छोटा सा बच्चा, अभी तो वो जीन उसे पता ही नहीं है सेल क्या होता है, अभी तो वो पढ़ाई भी नहीं कर रहा, उसे डीएनए जीन्स कहाँ पता है? यस, सेंस से, स्मेल से, अट्रैक्शन से। यस यस यस, सही 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 जा रहे हो आप। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इम्प्रिंटिंग, ये वर्ड याद रखना, इम्प्रिंटिंग, सारे लिविंग बींग्स के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कैरेक्टर होता है, इम्प्रिंटिंग। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, अगर इंसान की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ भी इस चीज़ को आप कोरिलेट कर सकते हो, अगर मैं एक चिकन की बात करूँ वहाँ भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, किसी जानवर की बात करूँ वहाँ भी इसको कोरिलेट कर सकते हो, तो वहाँ पे एक इम्प्रिंटिंग फेनोमेनन होता है। इम्प्रिंटिंग फेनोमेनन का मतलब ये होता है कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उस रूम में अगर उसके सामने सबसे पहले उसके ग्रैंड पेरेंट्स ही मौजूद है, मान लो उस रूम के अंदर सिर्फ बच्चा पैदा हुआ है और उसके ग्रैंड पेरेंट दादा दादी मौजूद है, नाना नानी मौजूद है, तो हो सकता है बच्चा आँख खोलते ही जिसको सबसे पहले देख रहा है, ठीक है, तो उसको देखते ही वो उसी को अपना पेरेंट मान लेता है। समझना इस बात को, बहुत ही इमोशनल चीज़ें हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर उस रूम में इमीडिएटली जो लोग मौजूद होंगे उन्हीं को वो रिकॉग्नाइज करेगा और उसे ही अपना पेरेंट मान लेता है, यानी उसके लिए उसका जो केयर है, पेरेंटल केयर है, वो उसी पेरेंट के थ्रू होना होगा।
लेकिन अगर उस रूम में बहुत सारे लोग मौजूद हैं पर उसकी अगर माँ भी मौजूद है उसी रूम के अंदर, तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसे रूम में बहुत सारे लोग तो दिखेंगे लेकिन उसकी हार्ट की जो बीटिंग है वो रेजोनेट करेगी, वो रेजोनेट करेगी मदर के हार्ट बीट से। और ये एक वुम्ब के अंदर जो 9 मंथ्स बच्चा रहता है इसकी वजह से डेवलप करता है। ये एक इमोशनल अटैचमेंट है, यहाँ पे साइंटिफिक अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन वाली बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हार्ट बीट की रेजोनेंस मैच कर जाती है और इसकी वजह से बच्चा ये रिकॉग्नाइज कर जाता है कि उस रूम में बहुत सारे जो लोग मौजूद है उसमें से मेरी माँ कौन है। इसलिए सबसे पहले बच्चा अपनी माँ को ही पहचानता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके लिए मदर की क्यों इम्पोर्टेंस बन जाती है, क्योंकि वो 9 मंथ्स अपने मदर के बुम में। इसलिए जब वो पहली बार अपनी आंखें खोलता है तो अपनी आंखें खोलते हुए वो सबसे पहले जिस पेरेंट को रिकॉग्नाइज करता है वो होती है उसकी माँ। लेकिन अगर माँ उस रूम में नहीं है तो जो भी पेरेंट वहां पे मौजूद हैं, ठीक है, उनको वो अपने साथ समझ लेता है, यानी उनके पैरेंटल केयर को समझता है। लेकिन फिर वही चीजें होती हैं कि आगे चल के एक दूसरे के बीच में इमोशंस डेवलप होता है और ये इमोशन ही आपको अटैच करता है, अपने पेरेंट के साथ अटैच करता है। ये चीज जो है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है कि हमारी बायोलॉजी के अंदर ऐसा चीज हो रहा है। और इकोलॉजी इज ऑल अबाउट दिस, इकोलॉजी इसके बारे में बात करता है। इकोलॉजी आपको यही समझाना चाहता है कि क्या चीजें हैं। यस नंदिनी सिंह, बेबी हार्ट कैसे रिकॉग्नाइज करता है? बेबी हार्ट की बीटिंग हो रही है ना, तो बेबी हार्ट की जो बीटिंग है और जो मदर की हार्ट बीट है ये दोनों 9 मंथ से एक साथ ही तो कर रहा था, क्योंकि 9 मंथ में आपको पता है कि बच्चे के अंदर आफ्टर द 5th मंथ हार्ट बीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चा जब बाहर है तो उसकी जो हार्ट की बीटिंग है वो रिकॉग्नाइज करती है, वो रेजोनेट करती है, सेम बीटिंग मिलता है उसे मदर के हार्ट बीट से। और इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे को इमोशनली एक दूसरे से अटैच होते हैं। यस पूनम करेक्ट, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट है ये, बिल्कुल इमोशनल है। और इसलिए हम कहते हैं कि लिविंग बीइंग्स भी आपस में एक इमोशनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट को शो करते हैं, और इसी इंटरेक्शन की स्टडी हम कंप्लीट इकोलॉजी के अंदर करने वाले हैं। यस कृष्णानंद, मैंने बताया आपको कि सारे एनिमल्स के अंदर है, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं है, प्लांट्स के साथ भी यही चीज है, एनिमल्स के साथ भी यही चीज है, सबके साथ यही चीज है इसी। यस गुड गुड गुड, नेचुरल टेक्नोलॉजी। तो आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई कि आखिर क्यों ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। आई होप आप सबको समझ में आ गया। यस सर, अमेजिंग आंसर दुष्यंत सिंह, थैंक यू फॉर दैट। तो आपके लिए इसलिए मैं इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस लेके आया ताकि आपको चैप्टर समझ में आए कि क्यों इस चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज सिंह सर, इको स्टार्ट करो, इकोलॉजी, इको स्टार्ट क्या करूँ, इको सिस्टम, तो चैप्टर तो स्टार्ट हो ही गया, ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। बेबी की हियरिंग सेंसेशन ही होगी ना, बिल्कुल नंदी, वो एक सेंसेशन ही है, वो एक सेंस इंपल्स को ही रिकॉग्निशन कर रहे हैं हम। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया, ये सब कुछ आप समझ गए कि किस तरीके से चीज़ें आपस में कोरिलेट हो रही हैं। तो आई होप आज की जो सेशन थी वो आपको समझ में आ गई। आज की सेशन में जो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इकोलॉजी क्यों पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, ये यूनिट क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इस यूनिट में जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ये बात आज सबको समझ में आ गई? आज के लेक्चर सबको क्लियर हो गया है? अगर आ गया है तो जल्द से जल्द मुझे बता दें कि हाँ लेक्चर सब मज़ा आ गया, आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा है और आज हमें पता चल गया है कि क्या हमें ये चैप्टर क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से इसे पढ़ना भी है। यस बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग लेट आए हैं वो बाद में वीडियो को देख सकते हैं। यस नंदिनी सिंह, रियली इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबको इस तरीके से चीज़ें पता चल रही हैं, आप चीज़ें पढ़ रहे हो, इंजॉयड द क्वेश्चन, वेरी गुड शिवानी, ओके अमेजिंग मेथड ऑफ टीचिंग, थैंक यू फॉर दैट। तो बिल्कुल आप सब, क्विज कब होगा? क्विज होगा, पहले कंटेंट तो पढ़ो, कंटेंट पढ़ोगे तभी तो क्विज होगा, बिना कंटेंट के क्या क्विज करके करेंगे। तो बिल्कुल ठीक है, तो ओके थैंक यू, मज़ा आ गया नंदिनी सिंह, मज़ा आ गया। तो बिल्कुल मज़ा आ गया, तो और मज़ा आएगा जब हम इस चैप्टर को और आगे अनफोल्ड करते जाएंगे। तो आपका काम क्या है? आपका काम है सेशन को लाइक कर देना, ठीक है, सेशन के लिए कमेंट कर देना, और साथ के साथ इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप शेयर करोगे तो आप अपने फ्रेंड की केयर कर रहे हो, शेयरिंग इज केयरिंग। तो आई होप कि आप ये काम जरूर करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर किसी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुंच सके, एंड यू कैन ईजली कम ऑनलाइन फॉर दैट। ओके, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, सेशन को लाइक भी करना जरूरी है। तो जिन लोगों ने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करें सेशन को,
और आफ्टर द सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि वो कमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएशन देता है, जिससे पढ़ करके फिर हम और भी मज़े से मेहनत करने की कोशिश करते हैं। यस पूनम इजाज़ सर, दोनों चैप्टर कितने लेक्चर में ख़त्म होगा? फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है वो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 लेक्चर्स में वो कंप्लीट हो जाता है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। ये वाला जो चैप्टर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, इसमें भी लेक्चर्स लगेंगे, 6 to 8 लेक्चर्स लग जाएंगे, तो आपका दो चैप्टर्स लगभग कुछ हफ्तों में 1 or 2 weeks में खत्म हो जाएंगे, तो आप उसके लिए पैनिक ना करें। यस सर, व्हेन विल यू टेक द नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास तो मैं डेली लेता हूँ, मैं 1:30 PM पर डेली अवेलेबल होता हूँ, तो 1:30 PM पे तो आप आ जाओ ई करियर पॉइंट चैनल के ऊपर, ठीक है। अब 1:30 PM में MWF, नीट के लिए तो देखो कोई 11th या 12th होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार, MWF में हम ले रहे हैं 12th का टॉपिक, दैट इज द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो आज आप पढ़ रहे हो, तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में TTS में हम 11th की टॉपिक फोटोसिंथेसिस ले रहे हैं। तो आई होप आप सबको ये बात पता चल गया, स्केड्यूल समझ में आ गया है, क्लियर है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो सेशन को जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लो, बिल्कुल आप पढ़ लोगे, ठीक है। चलिए सर लाइक कर दिया है, ओके सर, ओके चलिए, वेरी गुड, सबको ये बात समझ में आ गया। सुरेश आस्किंग सर, इको कितने दिन में पूरा करोगे? इकोलॉजी बिल्कुल 7 to 8 लेक्चर्स में, इकोलॉजी कंप्लीट यूनिट की बात अभी नहीं करेंगे, चैप्टर्स की बात करें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वहाँ पे ये 7 to 8 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। तो आप तो बस सेशन में बने रहो, 21st, आपको पता है कि 2021 की नीट के एग्जाम के पहले पहले, यानी कि मई के पहले पहले, अप्रैल के अंदर अंदर तक में हम लोग पूरी की पूरी आपकी जो सिलेबस है वो कवर करा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। टुमारो मतलब 11th चलेगा? यस टुमारो, कल 11th की क्लास रहेगी, आज 12th हुई, कल 11th होगी, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए आप सभी। तो ये बात समझना आप सबको ज़रूरी है। आई होप एवरीवन हैज एंजॉयड द सेशन, सबको मज़ा आया है और कंटेंट भी पढ़ाया हमने और कंटेंट को समझाया है, तो NCERT अब एक बार रीड ज़रूर करें। थैंक यू फॉर दैट, टिल देन आप सभी NCERT पढ़ते रहें, और 11th और 12th में बाइफर्केट मत करो, 11th की भी लेक्चर आती है तो उसको अटेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि 11th और 12th की जब आप लेक्चर दोनों करोगे तो आपके नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी और नीट के अंदर आपको एग्जाम देने का मज़ा आ जाएगा। साहिल इज़ वेरी लेट टुडे, ओके साहिल आप काफ़ी लेट हो, अब हमारी क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है, चलिए थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू।